सामने नक्कुशाई करना, सूरज को चराग देखने के मतरादी खड़े। और चूंकि हमारे अपने उस्ताद मोहतरम अब्दुल अजीज सर को तपासनामा पेश करते हुए उसकी जहमत लेना चाहिए। और हमारी और ऑर्गेनाइजर बच्चे, मैं अक्सर वो बिस्तर जो है बच्चों को क्लासेस में ये बात कहता हूँ कि हर जानदार जब पहली सांस लेता है तो उसी वक्त उसके खात्मे का वक्त भी होता है। इंसान जब पैदा होता है तो उसी वक्त उसका मौत का वक्त भी उसका मुतय्यन कर दिया जाता है अल्लाह ताला की तरफ से। इसी तरीके से हम जो तदरीस करने वाले लोग हैं, जब भी हम सर्विस पे अपॉइंट होते हैं तो हमारा भी एक वक्त मुतय्यन कर दिया जाता है और हर साल एक लिस्ट आती है कि आपकी सीनियरिटी लिस्ट जो है ये है, और उसमें से एक एक साल कम होते जाता है। और जब वक्त पूरा हो जाता है 58 साल टीचर्स का, प्यून का 60 साल का, क्लर्क का 58 साल का, तो उसके बाद वक्त पूरा होने के बाद गवर्नमेंट के कायदे के हिसाब से सुबह दोष होना पड़ता है। और हमारा भी वो वक्त आज 2-3 दिन पहले वो गुजर चुका हो चुका, मगर अफसोस इस बात का है कि यहाँ से जाने के बाद भी अपनी मसरूफियात ज़रूर रखना है। जो वक्त गुजरा है वो बहुत मेहनत करने के बाद यहाँ तक हमने पहुँचा है, और हमारी अपनी कौम के लिए जितना जो कुछ मुझे करना चाहिए था, मैं तकरीबन 1981 से मालेगांव स्कूल में जब पहली मरतबा 11वीं में दाखिला लिया तो उस वक्त से शुरुआत की मैंने खेलने की, और मेरा करियर जो है वो स्पोर्ट्स से ही शुरू हुआ। तो मेरे उस्ताद मोहतरम इकबाल सर और सैयद शौकत अली सर, जो मालेगांव के मायानास टीचर थे, फिजिकल में बेहतरीन डिसिप्लिन के बादशाह थे, उनसे मेरा सामना हुआ। बल्कि अपनी तदरीसी सलाहियतों को आजमाने का भरपूर मौका दिया। इन लोगों की कायदाना और रहनमायाना सलाहियत ने आज स्वेज को एक नन्हे पौधे से पेड़ नहीं बल्कि गुलिस्तान स्वेज बना दिया है। मैं मोहतरम जनाब अब्दुल रहीम भैया, मोहतरम जनाब आमीन शेख कत्थे वाले, डॉक्टर शफी, डॉक्टर रिफान, इन तमाम इंतजामी मुंतजमीन से यही के नज़र एक शेयर करूँगी। खुसूसन हमारे ये दो अराकीन स्वेज, अब्दुल रहीम शेख चमड़े वाला और आमीन शेख कत्थे वाला की नज़र ये शेयर करूँगी कि यूं ही नहीं ये बर्व समर रह रहाए हैं, यूं ही नहीं ये बर्व समर लहलाए हैं, पेड़ों ने मौसमों के बहुत दुख उठाए हैं। हमारे अब्दुल रहीम भैया, इन्होंने हर हर कदम पर हमारी रहनुमाई फरमाई, उसी का नतीजा आप लोगों के सामने नजर आ रहा है कि तकरीबन 20 से 21 मुअल्लिम मुअल्लिमात जो है उन्होंने नहायत कामयाबी के साथ अपने तदरीसी सफ़र को ख़त्म किया। उनमें ही मोहतरमा तैयबा अब्दुल हमीद आपा हैं, इनका और मेरा साथ अव्वल से आखिर दिन तक रहा। मोहतरमा ने 1984 से स्वेज कैंपस में अपने तदरीसी सफ़र को शुरू किया, केजी तक चारों और उसके बाद अव्वल तक पंजू में नहायत ईमानदारी दयानतदारी के साथ अपने फ़राइज मनसबी को अंजाम देती रही। मेरा और उनका बहुत ही करीबी ताल्लुक है, लेकिन मैं किसी मुबालगा आरई से काम ना लेते हुए आपकी तौसीफ में जो अल्फाज बयान कर रही हूँ कि इनकी सदाकत पसंदी, कुव्वत फैसला
मुनफरद अंदाज बयान ने इनको औज सरैया पर पहुँचा दिया। हमारी इंतजामिया ने इनकी काबिलियतों और सलाहियतों को और अदारे के तई सही मुसलसल को देखते हुए आखिरी के 9 सालों में उन्हें स्वेस प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल की सदर मौलिमा के अहदे पर फायज कर माशाल्लाह आपा ने वहाँ भी कमा हकम अपना हक ईमानदारी दयादारी से अदा किया। तमाम स्टाफ के ताउन से आज स्वेस मॉडल 3 प्राइमरी स्कूल अपना एक मकाम कायम किए हुए हैं। तालीमी मियार के मुकाबले में आज दीगर स्कूलों के शाना बशाना बल्कि मैं ये कहूँ कि चंद कदम आगे भी चल रहा है। तो ये हमारी आपा की काविशें हैं जिसकी वजह से अदारा तरक्की की राह पर गामजन है। इंशाअल्लाह मैं और मेरा स्टाफ इस मियार को बरकरार रखेंगे और इसे आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश करेंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहत आफियत नसीब फरमाए, उम्र दराज अता फरमाए और आपके जज्बे खैर को जो स्वेस के तई हैं उन्हें जो मुझसे ये कहा है कि गवर्नमेंट नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद, आज की इस खुशीवा और पुरवकार तकरीब के सदर मोहतरम स्वेस इंतजामिया के अराकीन मेरे लिए बहुत ही मुतासिर कुन शख्सियत, मोटिवेटर, जिन्होंने मुझे बहुत तहरीक दी, मेरी हौसला अफजाई की, मेरे मुरब्बी रहे, मेरे रहनुमा रहे, अंसारी मोहम्मद रजा सर साहब, स्वेस कैंपस के मेरे वो तमाम पेशरो मुअल्लिमात, जिनके नक्शेपा से मैंने बहुत सारा कुछ सीखा है, स्वेस प्री प्राइमरी, स्वेस प्राइमरी और स्वेस हाई स्कूल के मेरे बहुत ही अजीज मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात, और आज की इस तहनियती प्रोग्राम के वो तमाम ऑर्गेनाइजर, वो तमाम मुंतजमी, स्टेज पर हम लोगों के पीछे बैठे हुए और हमेशा से साथ में ही चलने वाले स्टाफ मेंबर्स जो सब रिटायर हैं, मेरे सामने बैठे हुए तमाम ही बहुत ही एक्टिव और बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करने वाली मौलिमात, इस स्कूल के तमाम बेहतरीन जेंट्स स्टाफ और बियॉन्ड ऑल आज के इस प्रोग्राम के तमाम ऑर्गेनाइजर्स, 98-99 के तमाम ओल्ड बॉयज, आप तमाम ही को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं काम की अपनी बात शुरू कहां से करूं। एक तो बड़ा अजीब फील कर रहा हूं, अगर ये प्रोग्राम 1 साल के बाद होता
तो शायद राम का वनवास जो है वो ताजा हो गया होगा। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम मुरब्बी सदर साहब, जुमला अराकीन अंजुमन स्टेज पर रौनक अफरोज, आली मर्तबा शख्सियात, असातिज़ा इकराम और साथी टीचर्स, नामदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद, अल्लाहुम्मा रब्बी श्राह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, इफ्तिताह सुखन उस रब्बे दो जहां खालिक़े कौनो मका के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है, उस सिराज मुनीर के उनवान से जिसने अर्ज़ो फलक को दवा, कोहसारों को बुलंदी, सब्ज़ा ज़ारों को शादाबी, समंदरों को गहराई और अशरफुल मखलूकात को अब्लुदानाई अता की, उस कादिर मुतलक के उनवान से जिसकी तहनियत को तकदीस करके कजनिया अपना सफ़र शुरू करती हैं। मौजूद हाजरीन, आपकी इस तहनियती मजलिस में उसका जिक्र खैर करें जिसके आंगन में तहजीब मोतबर समर्थी है, तस्करा उसका जिसकी तहलीस को चूम कर तमदन सरपुरे की सनत हासिल करता है और जिनके लफ्जों के उजाले में हयात आदम अपना रास्ता तलाश करती है। बेदार हुआ कि मैं भी अपने टीचरों के बारे में कुछ कहूँ। ये मेरे असातिज़ा का मुझे बहुत करम हुआ कि मैं चौथी जमात में जब था, मेरी प्राइमरी तालीम मनमाड़ में हुई। मनमाड़ में उर्दू का स्कूल था लेकिन उर्दू की कोई अखबार या कोई किताबें नहीं मिलती थी। हम मालेगांव से बम्बई से मेहनत का खाल सकते रीदा पोशी करें, शाल पोशी करें। अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको नेमत